could be us. So back to what I was saying. Could be us. फूड से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां लगे बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ माय चैनल कंफर्ट फूड और आज आपके मैं लेकर आई हूं पनीर बटर मसाला की रेसिपी। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में, तो इसे कैसे बनाते हैं चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम पनीर बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के रखा है 2-3 टेबलस्पून के करीबन, और फिर हल्का सा वो गर्म हो जाए फिर उसके अंदर हम डालेंगे अपनी प्याज। ये 2 बड़ी प्याज हैं, अभी ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर है अभी। साथ ही साथ हम यहाँ पे 7-8 काजू लिए हैं और 2 बड़े चम्मच लिए हमने मेलन सीड या खरबूजे के बीज, वो भी डाल देंगे साथ में। फिर हमने ये 7 से 8 लाल मिर्चें लिखी हैं, सूखी लाल मिर्चें ली हैं, ये भी साथ में डाल देंगे। अब जब तक प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट या फिर पिंकिश कलर की ना हो जाए हम इसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर है। देखिए हमारा प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे, ये हमारे 3 बड़े टमाटर हैं रफली चॉप किए हुए, ये भी इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही थोड़ा सा पका लेंगे। बस ये कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब मीडियम गैस कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे, जब तक कि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। टमाटर जल्दी सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छे चला दीजिए इसे सॉफ्ट। देखिए 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए और हमारे टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर आप गर्म गर्म पीसेंगे तो आपके हाथ जलने के काफ़ी चांसेस हैं इसमें, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल हमने उसका पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट पीसना है इसका। अब चलिए अभी इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम कढ़ाई सबसे पहले गैस पे रखेंगे। देखिए हमारी कढ़ाई रख दी हमने और गर्म हो गई है। अब इसके अंदर हम सरसों का तेल डालेंगे, 2-3 टेबलस्पून डालेंगे। अब इसको गरम होने देंगे। देखिए ऑयल बिल्कुल अब गरम हो चुका है, बिल्कुल स्मोकिंग हॉट है, धुआं निकल रहा है इसमें से। अब इसमें सबसे पहले हम थोड़ा, बिल्कुल आप पहले लो गैस कर लीजिएगा नहीं तो आप जल सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे हम 2 टुकड़े दालचीनी के, फिर इसमें जाएगी 2 हरी इलायची, फिर इसमें जाएगी 2 लौंग, फिर इसमें जाएगी 4 से 5 काली मिर्च, फिर इसमें जाएगी 1 चम्मच जीरा, अब इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इसमें जाएगी 1 चम्मच लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी हल्दी, फिर जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब, और अब इसमें वो मसाला जाएगा। हमने इसमें मसाला डाल दिया है, अब इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून खोया, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं या इसकी जगह कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगी हमारी 1.5 चम्मच चीनी, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत
अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें पनीर डाल देंगे, करीबन आधा किलो पनीर है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बस इसको 5 मिनट हमें और पकाना है और फिर हमारा बटर पनीर मसाला एकदम रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम एक कटोरी मलाई ऐड करेंगे, घर की मलाई है, आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब बस 2 मिनट और ये पककर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमारा पनीर बटर मसाला बनकर अब बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और अभी इसे सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनकर, तो आप इसे अपने घर में बनाइए। आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान, राइस, पूरी, किसी के साथ भी। और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।